सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ चुका था और आपने एडमिशन भी ले लिया। फर्स्ट राउंड में काफ़ी लोगों ने एडमिशन भी लिया था। सेकंड राउंड भी फाइनली हो चुका है। सेकंड राउंड में भी जिनको कॉलेज मिलना था उनको कॉलेज मिला, वो एडमिशन भी ले चुके हैं। कुछ लोग जो है कि माँ बाप का इंतजार कर रहे हैं, तो वो माँ बाप का भी वेट करें। माँ बाप के बारे में जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल पे पहली बार आए होगा तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, जो भी अपडेट आएगी आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा। अब फाइनली हम लोग बात करते हैं कि जो लोग कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं उनको एफिडेविट बनवा के देना है कॉलेज को। कैसे बनवाएंगे वो एक्चुअली में, ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा होगा, ठीक है ना। मेडिकल सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि आपका प्रत्येक कॉलेज का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का मतलब प्रत्येक कॉलेज का फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, बट ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम होता है, ठीक ना। तो चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, आपको फॉर्मेट बनवा कर देना होगा, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर देना पड़ेगा। तो अभी मैं जीसी बांका से हूँ, तो आपको बांका का ये फॉर्मेट दिख रहा होगा। अगर आपको बांका का फॉर्मेट लेना है तो आप मेरे से कंसल्ट करोगे, मैं आपको फॉर्मेट दे दूँगा। या जो लोग भी एडमिशन कराने यहाँ पर आएंगे उनको ये जो है कि फॉर्मेट दे दिया गया था ऑलरेडी, बट किसी को बाय द वे मिस से नहीं मिलागा, तो वो मेरे से कंसल्ट करेंगे तो मैं उनको प्रोवाइड कर दूँगा। तो मैं एक्चुअली आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपको किसी भी कॉलेज का मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो कैसे बनवाओगे, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या प्रोसीजर होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एफिडेविट बनवाना है, जिसको हम लोग एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो इसको बनवाना है तो क्या प्रोसीजर रहेगा बनवाने का और कैसे आपको बनवाना है, तो इसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होने वाला रहेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ कि एफिडेविट आपको कैसे बनवाना है, ठीक ना। तो एफिडेविट बनवाने के लिए आप AICT के ऑफिशियल साइट पे चले जाइएगा। वहाँ पे AICT के ऑफिशियल साइट पे आपको इस वाले फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना। अगर ये वाला फॉर्मेट आपको नहीं मिलता है तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ अपने इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप मेरे को कंसल्ट करोगे तो ये वाला फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या इवन आप मेरे से कहीं ना कहीं जुड़े होगा, जैसे व्हाट्सअप पर हो गया, ठीक ना, या कहीं भी जुड़े हो तो वहाँ पर अगर आप मैसेज करते हो तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि आपको इस PDF के थ्रू ही आपको इसी फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवाना है, ठीक ना। तो ये फॉर्मेट आपके लिए ज़रूरी होगा और इस फॉर्मेट में आपको सबसे पहले इसको हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवा लेना है, और प्रिंट आउट निकलवाने के बाद से इसमें कुछ डाटा आपको फिल करना है। उस डाटा को आपको फिल करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर नाम भरना होगा, ठीक ना। उसके बाद से जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ उस कॉलेज का यानी इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर भरना है, इसको भर लेना है। देन इसके बाद से आप सिंपल देखोगे तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें कहीं कहीं भरनी रहेंगे, जैसे यहाँ पर डेट मंथ ईयर आपको भरना रहेगा, यहाँ पर नेम और नहीं, ठीक ना। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा और भी चीज़ें भरनी है जहाँ तक, तो आप देख लोगे अपने सुविधा के अनुसार इसको भर लोगे अच्छी तरीके से। भरने के बाद से आपको इसको प्रिंट आउट करा लेना है, कराने के बाद से इसको भर लेना है। भरने के बाद से इसको लेकर के आपको चले जाना है अपने आसपास का जो आपका डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट होता है, ठीक ना। कोर्ट बोले तो आपको पता ही होगा, तो उस कोर्ट में जा करके इस फॉर्मेट के थ्रू आपको जो है कि एक ओथ लिया जाएगा, ठीक ना, मतलब कि शपथ ग्रहण कराया जाएगा कि मैं मतलब कि रैगिंग लेना और देना दोनों अपराध है, कुछ इस तरीके से करके। और एक्चुअली आपको शपथ दिला करके इसको एक फॉर्मेट में आपको मोहर सिग्नेचर करके रेडी कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग एफिडेविट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और इसी फॉर्मेट को आपको कॉलेज में ला करके जमा करना है। तो इस प्रोसीजर के थ्रू आपको यहाँ पर एफिडेविट बनवाने का पूरा प्रोसीजर होता है, जिसके थ्रू आप एफिडेविट बनवा सकते, ठीक ना। अब मैं बात करते हैं मैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको प्रत्येक कॉलेज का एक फॉर्मेट होता है, हो सकता है आपका कॉलेज डिफरेंट होगा तो आपको डिफरेंट फॉर्मेट मिला होगा, ठीक ना, बट प्रोसीजर आपका सेम रहने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको और आपका फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और मार्क आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ पे एक आपका फोटो चिपकाने वाला रहेगा जगह, यहाँ पे आपको आपको सिंपली भर लेना है। और इसको लेकर के किसी भी प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो मैटर नहीं करता है, बस मैटर ये करता है कि जिस डॉक्टर के थ्रू आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे उस डॉक्टर, मतलब कि वो डॉक्टर MBBS होना चाहिए था, बस MBBS होना चाहिए था, वो चाहे प्राइवेट से हो या गवर्नमेंट से हो मैटर नहीं करता है, MBBS का होना चाहिए था वो डॉक्टर, उससे ये अप्रूवल आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते वक्त आप एक चीज़ और ध्यान रखोगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपका थोड़ा सा मतलब उसमें जांच भी कराना पड़ेगा आपको, जैसे कि आई जांच करा लेना आप, ठीक ना, ब्लड जांच कराना, ब्लड प्रेशर जरा जांच कराना, इन तीन चार चीज़ों को जांच वगैरह करा करके आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक ना। इसी तरीके से आपका कोई डिसीज नहीं है या है तो उसको भी, अगर आपको है तो उसको मेंशन करेंगे, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे नो नो करके आगे ये फॉर्मेट एक्चुअल में बन जाता है,
तो इसी फॉर्मेट को आपको बनवा करके कॉलेज में जमा करना है एक्चुअली। और ये जब भी आप चाहो तो कभी भी जमा कर सकते हो, बट आप कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके जमा कर दो, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेज सभी यहाँ पे ये कॉलेज को अपने बोल के रखे हैं कि जितना जल्दी हो सके सभी स्टूडेंट इस फॉर्मेट को, मतलब कि एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कर दें। तो मैंने भी आपको बता दिया कि कैसे बनवाना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो आप भी बनवा करके इस कॉलेज को जमा कर दो, ठीक ना। तो ये था, मेरे को लगा कि मैं आपको बता दूं तो मैं बता दिया। और बाकी बहुत सारे लोग पूछ भी रहते हैं कि कैसे एफिडेविट बनता है, कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है, इसमें मैंने सेपरेट पहले भी वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई ज़्यादा डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप मेरे पहले वाला वीडियो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप पहले वाला वीडियो को देखोगे तो और अच्छा से चीज़ों को समझ पाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है कि कैसे आपको बनाना है एफिडेविट और मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये दोनों आपको कॉलेज को बनवा करके देना है। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।